हेलो बच्चों, एक और नया क्वेश्चन मार्च 2023 में आया है। 2 मार्क्स के लिए ये लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिए गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नहायत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये डी टी उधर भेज दो और ये इधर लेके आओ, तो डी एक्स वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन लिखना, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो पहले क्वेश्चन फिर बाद में, ठीक है। इज इक्वल टू ये जो है 1/t, ऐसे क्या ऐसा, ठीक है भाई। हाँ, ये dt इधर चले जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। देखो क्या हुआ, ये इधर 1/1 में आ गया कि dt उधर चले गया, ठीक। अब देखिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चा। देखिए इंटीग्रेशन 1/x log x dx, थोड़ा सा अच्छे लेवल का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा है, 10-20%, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/dt, इसके लिए बात भी नहीं है मैंने, ये लॉग थी, लेकिन ये इसके लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए पहले, तो कि लॉग एक्स 1/x आता है, ठीक है। मैं इसे साइड में करके बताता हूँ, इसका पहले लिख लें तो लॉग टी प्लस लॉग सी, लॉग सी क्यों लिखा। अब जो जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें याद रखना कि हर एक टर्म एनालॉगी में होता है, मतलब सारे लॉग तो सारे लॉग, अगर कोई और अलग आता है तो उसमें भी सी को भी वैसा कुछ देना होता है, ठीक है। जनरली लॉग ही आता है जब हम सी को लॉग देते हैं, तो इसका देखो साइड में करके बताते हैं, इंटीग्रेशन लाल में जगह थो, ठीक है। देखो 1/x log x इंटीग्रेशन है ना बेटा, तो हियर वी हैव पुट u = log x, टी टी बोलो log x पुट करो, ठीक है। तो dt / dx = 1/x, ठीक है। देयरफॉर 1/x dx, ठीक है, ये dx को चले गया तो dt आ गया, ठीक है। मतलब ये 1/x या dx था, ये सारे बन गए dt, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/ log x / t डाल दिया यहां dt, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log t, क्योंकि आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होता है, ठीक है। तो यही किया है हमने, ठीक है। तो फिर d की वैल्यू, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू बटा log x, ठीक है, ध्यान देना, तो log t आपका आ गया ना, ठीक है। अब log t की वैल्यू क्या है बेटा, t की वैल्यू आपने डाली है log x, क्या लिख log x, मतलब इसका अगर आंसर लिखना है आपको तो क्या लिखोगे आप, ठीक है, क्योंकि हमने अभी सॉल्व करके बताया आपको, तो क्या लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x log log of x, तो क्या लिखोगे, log log of x, ठीक है। याद रखना ये बात, थोड़ी नोट कर लो, अगर आप जानते हो इंटीग्रेशन अच्छे से तो आप देख के बता सकते हो आंसर, ठीक है, वरना सोचना पड़ेगा, याद क्लियर होगी बात, ठीक है सर। अब ये log t इधर लेके जाओ, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। अब log of ये हो गया अपना log, याद देखो log of log of x, ठीक है, इज इक्वल टू log t plus log c। अब log की प्रॉपर्टी जानते हो आप, log a plus log b क्या होता है, log a b, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा log t c, log t c, ठीक है, s c t आप जो बोलो, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये log दोनों साइड log गए हो, ठीक है, दोनों log है ना, तो log ऐसे कैंसिल हो गए, ऐसा समझो, ठीक है। चलो दोनों साइड कंपेयर कर लिया हमने, अब कंपेयर शब्द अच्छा है, ठीक है, log x is equal to ct या tc, ठीक है। तो अब ये log अगर उधर चले जाएगा तो x is equal to e to the power ct, या ct इसलिए ct, अगर ये ऑप्शन में tc होता तो मैं tc देता, ये आपके पास आ गया x to the power e ct, ठीक है। अब ध्यान देना मैं एक बार वापस एक बार, ठीक है। अब आप बोलोगे ये ऑप्शन क्यों नहीं मारा बेटा, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस टी तो हो ही नहीं सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में कैसे आएगा, डिवाइड में आएगा, ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं, इसलिए ही, ठीक है। और एक बात सुनना है, छोड़ना मत यार, वीडियो को अच्छे से देखा करो पूरा यार, प्लीज, ठीक है। नहीं, मेरा वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं हर एक चीज़ बताता हूँ तो समय लगता है, ठीक है, सॉरी यार, पक्का टाइम वेस्ट कर। तो यार देखो, ये ना यार सोचने वाली बात ये है बच्चा, कि ये लॉग का ऐसे कैसे हो गया, ठीक, जिसको पता है वो जा सकता है, ठीक है। तो यार लॉग ए इज इक्वल टू बी ए पर होता है, ठीक है, तो ये लॉक का इधर जाएगा तो ये लॉक का ही बन जाएगा, ये इसे सिर पे उठा लेता, सिंपल बात है, ठीक है। और एक ऐसा रूल है जो मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन वो मैं कभी काम पर दूंगा, तो अपना मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जय हिंद जय भारत।